हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्यन 45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये दोनों क्वेश्चन सीटेट पेपर दो में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या 3 के पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या क्या दी गई है, 3 के पावर 98, इसमें भाग करना है 3 से, आप लोगों को निकालना है शेष क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, अब इसमें अगर 5 से भाग करना है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं शेषफल क्या आएगा, 4। जो इकाई का अंक होगा वही शेषफल हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या है जैसे 121, अब 5 से भाग करना है तो जो इकाई वाला अंक है वही जो है शेष बचता है। अब इकाई वाला अंक देखिए, अगर 5 से कम है तो शेषफल वही आएगा, जैसे 569 है। अब यहाँ पर इकाई वाला अंक क्या है, 9, तो अब इसमें 9 में 5 से भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना शेष आएगा, 4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इकाई वाला अंक जो है 5 से कम है तो शेषफल जो है वही आ जाएगा। अगर इकाई वाला अंक 5 से ज़्यादा है, जैसे 8 है, तब इसमें 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, कहा गया है 5 से भाग करना है, संख्या क्या है, 3 के पावर 98, तो आप लोगों को इकाई वाला अंक इसमें पता करना पड़ेगा। इकाई वाला अंक कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जो 98 दिया गया है, 98 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो अब आप लोग कुछ नहीं करना है, 3 के पावर 2 लिख दीजिए, 98 में 4 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। तो अब आप लोगों को 3 के पावर 2 लगा देना है, तो क्या आएगा, 9। अब इसी 9 में 5 से भाग कर देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4, ठीक है। तो वही शेषफल आएगा 3 के पावर 98 में 5 से भाग करने पर, ठीक है। यहाँ पे भी शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, 4। फिर से देख लीजिए, 3 के पावर 98 भाग करना है 5 से, ठीक है। अब 3 के पावर 98 का मान तो आप लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप लोगों को पता करना होगा कि 3 के पावर 98 में इकाई वाला अंक क्या है, ठीक है। तो 3 के पावर 98 में इकाई वाला अंक कैसे पता करेंगे, 98 में 4 से भाग कर देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, अब 2 को 3 के ऊपर लगा देंगे, 9, ठीक है। 3 के पावर 2 मतलब क्या आ जाएगा, 9, यानी इकाई वाला अंक जो है 9 है। अब 9 जो है 5 से ज़्यादा है तो 9 में 5 से भाग कर देंगे तो शेष कितना आएगा, 4, वही शेष यहाँ पे भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब …., मान दिया गया है 3025, तो आप लोगों को निकालना है इसका मान, ठीक है। 2 के पावर 3 + 4 के पावर 3 + 4 के पावर 3 + 6 के पावर 3 + 20 के पावर 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 8 + 64 + 216 + ……, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 8000, ठीक है। तो अगर 8 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 1, ठीक है, +8, और क्या बचेगा, 27 बचेगा। आगे देखिए क्या बचेगा आपका, 1000 बचेगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 हो गया, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। तो क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों को इसका मान दिया गया है, यानी इस पूरे का मान क्या दिया गया है, 3025, ठीक है। तो क्या कर देंगे आगे, 8 × 3025, 8 × 3025 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24200, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, डी वाला ऑप्शन सही है, 24200। तो ये दोनों क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।